नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ शिक्षा प्रस्ताव पिछले वीडियो में रह गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपकी जो समावेशी विद्यालय वाली बुक है जो विकलांग बालकों के लिए विशेष, तो जितनी भी शिक्षा नीतियां हम पढ़ेंगे, चाहे वो आरटी अधिनियम हो, चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो, सभी को विशेष बालकों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आपने देखो बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है शैक्षिक अवसरों में समानता। आप सब जानते हैं बच्चों कि शिक्षा के अवसर उन लोगों को ज्यादा मिलने चाहिए जो असुविधाग्रस्त है, अपवंचित बालक है, पिछड़े बालक है। तो पिछड़े बालकों, अपवंचित बालकों, स्त्रियों, इन सब को समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समाज में उनको उचित अवसर प्रदान करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि स्त्रियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि समाज में इनके स्तर को क्या किया जा सके, समान किया जा सके। तो शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या जिक्र है, देखो। स्त्री शिक्षा के लिए कहा गया है कि स्त्रियों को लड़कों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्त्रियों शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण स्त्रियों को प्रदान करने चाहिए। ये तीनों प्रशिक्षण की बात महिलाओं और लड़कियों के लिए करने वाली थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि लड़कियों को व्यावसायिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है अल्पसंख्यक। देखो बच्चों, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो समाज में अल्प है, कम मात्रा में है, उनको अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाएं उन बालकों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जो विद्यालय बने हुए अल्पसंख्यक, उन विद्यालयों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं, छात्रवृत्ति सुविधाएं हैं, शिक्षण शुल्क में कमी है, ट्यूशन फीस में कमी है, ये सब आप अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कर सकते हो, करना है, ये कहना है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद आता है बच्चों एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए कहा कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो घुमंतू जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियां हैं, जो शैक्षिक दृष्टि से कमजोर जातियां हैं, जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर जातियां हैं, उन जातियों के लिए सबसे पहला प्रावधान करना पड़ेगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा उनको अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, उनको औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, उनको तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा एससी और एसटी क्षेत्र का अगर कोई टीचर बनता है, मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पढ़ाने के लिए वहीं के स्थानीय व्यक्ति को
अनुसूचित क्षेत्र का शिक्षक बनाया जाना चाहिए। मतलब उसी एरिया का अगर शिक्षक होगा तो वहां के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के बारे में उसकी अच्छी जानकारी होगी, और अगर वहीं का कोई व्यक्ति शिक्षक बनेगा तो लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और उनमें भी शिक्षा प्राप्त करने की ललक बढ़ेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि शैक्षिक अवसरों में अगर समानता लानी है, समाज में जो विशेष वर्ग है स्त्री है, आपका अल्पसंख्यक वर्ग है और जो अपवंचित वर्ग है, इन बालकों को शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए प्रयास अगर किए जाएंगे तो बच्चों समावेशी विद्यालय का सपना साकार होगा। तो समावेशी शिक्षा के लिए स्त्रियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और एससी एसटी के लोगों के लिए विशेष प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहे गए हैं। इसके बाद आता है बजट। बजट में आप सब जानते हो बच्चों, जो कोठारी आयोग आया 1968 में, उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को अपने कुल बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई, उसने कहा कि शिक्षा पर 6% ही नहीं, इससे ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा शैक्षिक अनुसंधान बढ़ेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ेंगे, शोध कार्य बढ़ेंगे, गरीबी दूर होगी, आय की विषमता दूर होगी, कई समस्याएं दूर होगी। तो इसीलिए शिक्षा पर भी सरकार को अतिरिक्त व्यय करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा शैक्षिक संसाधन आप उपलब्ध करवाएंगे बच्चा शैक्षिक अवसरों की समानता हासिल कर पाएगा, और संसाधन प्राप्त होने पर ही हर बच्चा अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का विकास कर पाएगा। अब यहाँ पे बजट में कहा गया कि केंद्र सरकार को अपने कुल बजट के 10% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, जबकि जितने भी राज्यों की जो विधानसभा राज्य सरकारें हैं उनको अपने बजट का 30% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। ये कहा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कि केंद्र सरकार को 10% खर्च करना चाहिए और राज्य सरकारों को 30% खर्च करना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बच्चों कि 15 से 35 साल तक के जो व्यक्ति हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना करवाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 1995 तक 10 करोड़ प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाएगा, जिससे निरक्षरता का उन्मूलन हो, निर्धनता का उन्मूलन होगा, लोगों में जागरूकता पड़ेगी, जन जागरण का विकास होगा, हर बच्चा शिक्षित होगा और हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए उनके माता पिता का शिक्षित होना भी आवश्यक है। बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना करनी होगी, ऐसा कहा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। इसके अलावा नेहरू युवक केंद्र की सहायता प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में ली गई, इसने बहुत अच्छा काम किया। श्रमिकों के लिए नियोक्ता संघों में ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले गए, कि श्रमिक जो संघ बने हुए हैं उनमें ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए गए, ताकि श्रमिकों को भी क्या मिल सके, साक्षरता प्राप्त हो सके, वो शिक्षित हो सके, उनको जो भी वहां पे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है वहां पर उन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ये कहना था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। प्रौढ़ शिक्षा जो कि 15 से 35 वर्ष के लिए है, 1995 तक 10 करोड़ प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे, नेहरू युवा केंद्र खोले जाएंगे जो प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, श्रमिकों के द्वारा नियोक्ता संघ में ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है प्रौढ़ों को प्रदान किया जाएगा। ये बात कही गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद आती है परीक्षा एवं मूल्यांकन। देखो बच्चों,
परीक्षा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें कहा गया कि छात्रों की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं ली जानी चाहिए, बच्चे का सतत समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसका रचनात्मक मूल्यांकन भी होना चाहिए, उसका योगात्मक मूल्यांकन भी होना चाहिए और परीक्षाओं में ग्रेडिंग पद्धति को प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये कहा गया आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शैक्षिक प्रबंध संस्थाएं, ये कहा गया कि शैक्षिक क्षेत्र में प्रबंधन करने के लिए, शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए, शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए एक सेंट्रल स्तर पर केंद्रीय परामर्शदात्री संस्था होनी चाहिए और इसी के लिए कैब की नियुक्ति की गई थी। और इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्र में भी सहायता और सलाह देने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा जो संस्थान है उसकी स्थापना करवाई गई और ये दोनों संस्थाएं शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, शैक्षिक अनुसंधान करवाती है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचारों का विकास हो सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि कुछ नेशनल लेवल पर या राज्य स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो कि शिक्षा का प्रबंधन कर सके, शैक्षिक अनुसंधान कर सके, नए नवाचार कर सके, शिक्षा उपकरण को तैयार कर सके, मॉड्यूल्स बना सके, ब्रिज कोर्स में जो बच्चे शिक्षा दे वो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सके। ये सारी चीजें करने के लिए शैक्षिक प्रबंध संस्थाएं होनी चाहिए, ये कहा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद आता है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए भी कई बातें इसमें कही गई कि शिक्षकों का गुण और योग्यताएं बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो स्थान एक टीचर का है समाज में वो स्थान किसी का भी नहीं है, ये कहा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो उसको पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए, वेतन भत्ते योग्यताएं कर्तव्य इन सब के निर्धारण के लिए नियम और उपनियम बनाए जाने चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, शिक्षकों के लिए सेमिनार्स का आयोजन किया जाना चाहिए, सेवारत इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, समय समय पर प्रशिक्षण सुविधाएं इनको देनी चाहिए। और इसके बाद छात्रों जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो प्रावधान किए गए और उनका जो क्रियान्वयन किया जाना है उनको समय समय पर आपको देखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो प्रस्ताव रखे गए थे वो कितने क्रियान्वित हुए, उसकी हर 5 साल में समीक्षा होनी चाहिए, ये कही गई हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अब बात आती है बच्चों नवीन शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई, उसमें विकलांग बच्चों के लिए क्या बात कही गई। विकलांग बालक क्या है बच्चों? विशिष्ट आवश्यकता वाला जो बालक है वो बच्चा विकलांग बच्चा होता है, जिसको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता हो, स्पेशल सुविधाओं की आवश्यकता हो, वो बच्चा विकलांग बच्चा है। लेकिन आज हमारा भारत इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा में इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही मुख्य धारा में जोड़ना चाहता है, एक साथ उनको अध्ययन करवाना चाहता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मानना है कि विकलांग बालक भी सामान्य बालक की तरह ही होता है और अगर उसे विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए तो वो सामान्य बालक से भी अच्छा करके दिखाएगा, ऐसा मानती है आपकी समावेशी शिक्षा। और भारत में समावेशी शिक्षा की प्राप्ति हो इसके लिए विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हमारी नवीन शिक्षा नीति 1986 में देखने को मिलता है। तो 1986 में शैक्षिक सुविधाएं क्या क्या मिलनी चाहिए विकलांग बच्चों को, उसके लिए कहा है कि जो अल्प मानसिक विकलांगता और अन्य विकलांगता के जो बालक है उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ये काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आप जानते हो बच्चों अल्प मानसिक विकलांगता जैसे मंद बुद्धि बालक है
कौन से बालक है? मंद बुद्धि बालक है, समस्यात्मक बालक है, बाल अपराधी बालक है, शारीरिक विकलांग बालक है, दृष्टि बाधित विकलांग बालक है। तो ये सभी टाइप के हैं जिनमें अल्प क्या है, मानसिक विकलांगता है, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही अध्ययन करवाया जाना चाहिए, ये कहती है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरा कहती है कि जो गंभीर रूप से विकलांग है, जिनको विशेष विद्यालयों की आवश्यकता है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है, जैसे पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चा है वो सामान्य बालक के साथ तो अध्ययन कर नहीं सकता, तो उनके लिए आवासीय विद्यालय जिला स्तर पर खोले जाने चाहिए, ये कहता है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कि जिला स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद कह रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। आप सब जानते हो बच्चों कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक है उसे विशिष्ट सुविधाओं के साथ अगर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए तो आगे जाकर वो बच्चा रोजगार उन्मुख हो पाएगा, अपना जीवन व्यापन अपने हिसाब से कर पाएगा, इस समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर पाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, ये कहा किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। और कहा कि इन व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, विकलांग बच्चों को विशेष उपकरण सुविधा, विशेष तकनीकी सुविधा, विशेष शैक्षणिक सुविधा, विशेष अध्ययन सामग्री, विशेष पठन सामग्री, सभी सामग्रियां उपलब्ध करवानी चाहिए। इसी के साथ साथ शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री, शैक्षिक उपकरण वहां पर उपलब्ध होने चाहिए, तभी बच्चा, विकलांग बच्चा सामान्य बालकों के साथ समायोजित हो पाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कहा गया है कि बालकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उसके बाद कह रहा है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षकों के लिए जो विकलांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाए जाने चाहिए ताकि विकलांग बच्चा सामान्य बालक के साथ अध्ययन कर सके। इसके लिए कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कि अल्प मानसिक विकलांगता और अन्य विकलांगता के बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण इन विकलांगों के लिए विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए, पर्याप्त संसाधन इन बालकों को मिलना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इन विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक साथ अध्यापन करवा सके टीचर, इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए, ये कहा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान भी देखने को मिलते हैं बच्चों, वो कौन कौन से है देखो बच्चों। 60 डेसिबल से कम को स्वर यंत्र, मैंने आपको स्वर बाधिता में बताया था कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम सुनते हैं, अगर और ऊंचा बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देता है लेकिन सामान्य वार्तालाप को सुनने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है वो बच्चे, और वो बच्चे जिनको स्वर यंत्र की सहायता से जिनको सुनाई देता है उन बच्चों को माता पिता का मार्गदर्शन लेकर के उन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उनको स्वर्ण यंत्र उपलब्ध करवाया जाए और उनके माता पिता का मार्गदर्शन लेकर उन बालकों को समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कहा है आपका कौन सी नवीन शिक्षा नीति 1986 में। दूसरा कहा है शिक्षकों को अल्पकालीन सेवारत प्रशिक्षण दिया जाए, जो शिक्षक सामान्य बालकों को
सामान्य विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो विकलांग बच्चों की समस्याओं से क्या हो सके, परिचित हो सके। जो शिक्षक सामान्य विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनको समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि अगर उनकी क्लास में कोई विकलांग बच्चा आता है तो वो उसकी समस्याओं का क्या कर सके, निरीक्षण कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके, उसको मार्ग निर्देशन कर सके, उसको अभिप्रेरित कर सके। तो ऐसे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ऐसा कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट आता है प्रधान अध्यापकों, प्राचार्यों, प्रवेश परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी प्रशिक्षण। आप सब जानते हो बच्चों, जब विकलांग बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो वो वहां के प्रधान के संपर्क में भी आता है, प्राचार्य के संपर्क में भी आता है, ऑफिस स्टाफ वाले लोगों के संपर्क में भी आता है। तो उन सब लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देना कि अगर विकलांग बच्चा आपके स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आ रहा है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का निर्देशन देना है, किस प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं उस बच्चे को उपलब्ध करवानी है, किस प्रकार उस बच्चे का मार्गदर्शन करना है, इन सब चीजों का प्रशिक्षण इन प्रधान अध्यापकों, प्राचार्यों और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को प्रदान करना चाहिए। ये कहती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर आता है अधिकारियों को सहायक उपकरण की जानकारी देकर। जो भी अधिकारी इन कार्यक्रमों में लगे हुए हैं उनको सहायक उपकरण, जैसे स्वर्ण यंत्र की जानकारी, व्हील चेयर को कैसे चलाया जाएगा, व्हील चेयर में क्या क्या उपकरण होते हैं उनकी जानकारी, जो सुन नहीं पा रहे उनको देख नहीं पा रहे, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, इन सब के बारे में जानकारी जो है मिलनी चाहिए। मंद बुद्धि बालक है उसके लिए कौन कौन से सहायक उपकरण हो सकते हैं, इन सब की जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए। ये कहा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। समेकित शिक्षा का प्रबंधन। समेकित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सामान्य विद्यालयों को विशेष बालकों के साथ इस प्रकार समावेशित करना ताकि विशेष बालक भी अपने आप को सामान्य बालक के साथ समायोजित कर सके बच्चों, तो इसके लिए समेकित शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य स्कूलों में छोटी इकाई जो विकलांगों को विशेष सुविधा दे। आपको पता है विकलांग बच्चा सामान्य कक्षा में सीख नहीं पा रहा है, तो एक ऐसी छोटी इकाई का गठन किया जाए जिनमें इन बालकों को संगठित करके विशेष सुविधाओं के साथ दोबारा उसका रिवीजन करवाया जाए, ताकि वो बच्चा सामान्य बालकों के साथ समावेशित हो सके। ये कहना है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। फिर कहते हैं कि जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, और उन विशेष विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की वो प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ये कहना है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है कि 60 डेसिबल से कम को स्वर्ण यंत्र व माता पिता के मार्गदर्शन से पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को अल्पकालीन सेवारत प्रशिक्षण जिसमें विकलांग विद्यार्थियों की समस्याओं से उनको परिचित करवाया जाना चाहिए। प्रधान अध्यापकों, प्राचार्यों और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को सहायक उपकरण की जानकारी दी जानी चाहिए। समेकित शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में छोटी इकाई जो विकलांगों को विशेष सुविधाओं के साथ पढ़ा सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो गंभीर रूप से विकलांग बच्चे हैं उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना होना चाहिए, ऐसा कहना है बच्चों आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों के बारे में,
उद्देश्यों के बारे में, शिक्षा प्रारूपों के बारे में, शिक्षा प्रस्तावों के बारे में, विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो आप इन सब को, जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं, इनको नोट डाउन करें। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद मेरे नोट्स को लिखेंगे, उसके बाद समावेशी विद्यालय की जो आपकी बुक है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल वाली जो बुक है आपकी, जो आपके 50 मार्क्स की है, उस बुक में से इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे टॉपिक्स क्लियर करवाऊं, तो बच्चों आपको नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, लाइक्स करने हैं, व्यूज देने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने हैं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं और मुझे लगे कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे वीडियो को देखें, सुने, समझे, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल बीएड सेकेंड ईयर के लिए, आपके नेट, सीटेट, रीट और अन्य कई एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।